अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल, उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो का आपको पता ही चल गया होगा थंबनेल देख के कि आज की वीडियो के अंदर मैं जो हूँ अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ जी खुर्शीद के सबसे लेटेस्ट फ़ैन की। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में खुर्शीद के फ़ैन को अनबॉक्स करेंगे, टेस्ट करेंगे, आखिर वो कौन सा फ़ैन है उसको भी हम ले आते हैं टेबल पर। तो ये आ चुका है जी हमारे पास खुर्शीद का फैन, जिसको करना है आज हमने अनबॉक्स टेस्ट। आज चेक करेंगे इसके क्या क्या फीचर्स हैं और ये 2021 का दोस्तों सबसे लेटेस्ट जो है हाई क्वालिटी पावरफुल सीलिंग फैन खुर्शीद की तरफ से है। और इसको जो है दोस्तों मैंने खुद परचेज किया है और मैंने सोचा क्यों ना अपने जो है फैंस के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक और अच्छी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट के ऊपर जो है वीडियो बनाऊं। तो इसलिए ये प्रोडक्ट आई हुई थी तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाता हूं। तो आज हम इसके करने वाले हैं अनबॉक्सिंग, टेस्टिंग, इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे आखिर क्या क्या फीचर्स हैं उसके अंदर, कंपनी ने क्या क्या नई चीज़ें जो है इंक्लूड की हैं, सब चीज़ें जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से चाहें तो इसको बाय भी कर सकते हैं। और इस वीडियो में दोस्तों इसकी प्राइस के बारे में भी बताऊंगा और क्या प्राइस चल रही है मार्केट के अंदर इसकी। तो अब टाइम को ज्यादा जाया नहीं करते, शुरू करते हैं दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग। तो लीजिए दोस्तों, ये आप दे सकते हैं, ये आ चुका है जी हमारे पास खुर्शीद का फ़ैन। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं कि खुर्शीद ने 2021 में जो है काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ैन भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं, लेकिन इस बार जो इंट्रोड्यूस करवाया है वो है जी 2021 में ये जो है पेंटा डिज़ाइन सीरीज़ का फ़ैन, जो कि जिसके मैक्सिमम दोस्तों 5 प्रोपेलर्स या विंग्स आते हैं जिनके ज़रिए आप अच्छी हवा ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है ये जो फ़ैन है दोस्तों AC-DC में आता है, यानी कि आप इसे AC पर भी चला सकते हैं और DC पे भी चला सकते हैं। और ये जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी में बनाया गया है। सबसे पहले फर्स्ट लुक यहाँ पर बॉक्स पे देख सकते हैं, दिखने में इस तरह का है, पेंटा सीरीज़ की डिज़ाइन का ये जो है फ़ैन है। सबसे पहले हम इसके अनबॉक्स कर लेते हैं, इसके अंदर से सब चीज़ों को बाहर निकाल लेते हैं, फिर इसकी जो है फीचर्स और इसकी डिटेल रिव्यू करते हैं। अभी मैं करने लगा हूँ जी इसको अनबॉक्स। अनबॉक्स करते ही आप देख सकते हैं इसके अंदर से सबसे पहले एक पैकेजिंग के अंदर इसका 3 जो है पार्ट्स रखे गए हैं मुख्तलिफ, इसको भी हम चेक करेंगे आखिर कौन कौन से ये 3 पार्ट्स हैं। उसके बाद आ चुकी है जी ये मेन मोटर, तो इस मेन मोटर को भी बाहर निकाल लेते हैं। और इसके बाद आ चुका है इसका मेन रॉड जिसको आप लटकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और बॉक्स हो चुका है खाली, इसको कर देते हैं साइड में। तो लीजिए दोस्तों, ये आ चुका है जी का सारा सामान जो कि खुर्शीद के इस 2021 के पेंटा डिज़ाइन सीरीज़ के फ़ैन के अंदर से निकलता है। सबसे अच्छी जो फर्स्ट लुक मुझे लगी है इसकी बॉडी, इस बार कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी की है और काफ़ी अच्छा जो है डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करवाया है। आप देख सकते हैं कितने कमाल का ये डिज़ाइन है और ये इतना फैंसी लगता है, इतना लग्जरी लगता है कि अगर आपने इसको कमरे में लगाया हुआ है कि पता लगता है कोई फ़ैन लगा हुआ है आपके कमरे में। और बॉक्स को जैसे ही हम ओपन करते हैं इसके अंदर टोटल 5 चीज़ें निकलती हैं, तो सबसे पहले 5 चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं डिटेल इसकी और बताता हूँ। तो सबसे पहले इसका जो है एक मेन कवर निकलता है जो कि आपके जो है छत के ऊपर लगेगा, इसको आपने जो अपनी छत के ऊपर माउंट करने के लिए स्पेशल कवर निकलता है इसके अंदर से। और इसके बाद इसके अंदर से खुर्शीद का जो है एक दोस्तों निकलता है जी रिमोट कंट्रोलर, जो कि है दोस्तों पहले वाले जो सीलिंग फ़ैन था सिंपल उस जैसा ही तकरीबन रिमोट कंट्रोलर है, जिसके अंदर आप ऑन ऑफ इसकी स्पीड, स्मार्ट और टाइमिंग वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। खुर्शीद की अपनी ब्रांडिंग हुई हुई आप देख सकते हैं रिमोट के ऊपर, तो काफ़ी कमाल का है। और उसके बाद इसके बाद जो है खुर्शीद फ़ैन के जो है रिमोट को कनेक्ट करने के लिए जो है लिखा हुआ है, उनके लिए जो है लिखा भी हुआ है कि किस तरह आपने इसको कनेक्ट करना है। और उसके साथ एक वॉल माउंट भी इसके साथ आता है, जिसके ज़रिए आप अपने इस रिमोट को जो है वॉल पे भी जो है लटका सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगली जो है पैकिंग में चेक करते हैं, तो अगली पैकिंग में हमें मिलते हैं जी इसके 5 दोस्तों जो है पर, जिनको हम प्रोपेलर भी कहते हैं इसके, या इसको पेंटा जो है प्रोपेलर कहेंगे। तो इसका जो डिज़ाइन है दोस्तों बहुत ही कमाल का बनाया है, क्योंकि इसका डिज़ाइन मुकम्मल वुड की तरह लगता है, यानी कि वुड कोटेड जो है इसके ऊपर डिज़ाइन किया गया है मुकम्मल। और अगर आप इसको अपने जो है घर में या कमरे में लगाते हैं तो बहुत ही कमाल की लुक प्रोवाइड करेगा। तो टोटल जो है इसके साथ जो है दोस्तों 5 जो हैं पर आते हैं, तो आप देख सकते हैं 3 इसके अंदर से निकल चुके हैं, उसके बाद चौथा ये आ चुका है और 5वां ये आ चुका है। तो टोटल इसके साथ दोस्तों 5 जो है पर निकलते हैं। और मेरे YouTube चैनल पे पहली अनबॉक्सिंग है इस तरह के पंखे की कि जिसके टोटल 5 जो है विंग्स हैं या पर हैं,
तो इनको हम करते हैं जी अभी साइड पे, उसके बाद हम इसके मोटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी मोटर के बारे में। कंपनी ने इस बार जो मोटर का डिज़ाइन बहुत ही यूनिक और लग्जरी बनाया है। इसके अंदर सबसे अच्छी बात लगी है कि इसके अंदर आप 5 जो है दोस्तों इसके विंग्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि वुडन कोटेड के साथ है। और इसकी भी जो बॉडी मोटर की जो है कंपनी ने डिज़ाइन की है वो भी वुडन कोटेड के साथ ही डिज़ाइन की गई है। इसके टॉप पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है खुर्शीद की अपनी ब्रांडिंग हुई हुई है और टोटली वुडन कोटेड है। और सबसे अच्छी इसकी मोटर की बात ये है कि ये BLDC मोटर इसके अंदर कंपनी ने लगाई की है जो कि ब्रशलेस DC मोटर है और जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। और इसकी जो लाइफ की बात की जाए इस BLDC मोटर की, इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है। और दोस्तों इस मोटर के अंदर सबसे अच्छी बात लगी ये है कि इसके अंदर ऐसा डिज़ाइन कंपनी की तरफ रखा गया है खुर्शीद की तरफ से कि जिसके अंदर इसकी जो है दोस्तों पूरी मोटर जो है मूव कर रही होती है, इसकी जो है बॉडी मुकम्मल मूव नहीं कर रही होती, यानी कि आपको सिर्फ प्रोपेलर घूमते हुए नजर आ रहे होंगे, इसकी मुकम्मल बॉडी जो है स्टिल होगी, बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी। और उसके बाद इस BLDC मोटर की एक और जो है दोस्तों खूबी बताऊं कि इस BLDC मोटर के जो आर्मेचर कंपनी ने डिज़ाइन किया गया है वो इलेक्ट्रिक स्टील शीट का इस्तेमाल किया गया है, जिसके फ़ायदा ये है इलेक्ट्रिक स्टील शीट से कि इसके जो अंदर जो है लॉसेस वो बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम होते हैं, और उसके बाद आपको एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा मिलती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ रखी गई है कि इसकी मोटर की जो डिज़ाइनिंग है, इसकी मोटर की जो अंदर जो फीचर्स हैं मुझे वो बहुत कमाल के लगे, जिसकी वजह से आपकी जो है मोटर जल्दी ख़राब नहीं होने वाली और आपको परफॉर्मेंस जो है 100% ओके मिलने वाली है। और इसके अंदर जो है सर्किट लगाया गया है वो AC DC सर्किट कंपनी की तरफ से लगाया गया, यानी कि आप AC DC दोनों पर चला सकते हैं। आप चाहें तो AC के ऊपर चला लें और आप चाहें तो DC के ऊपर चला लें। तो बाकी जो है मैं इसको फिट करके भी आपको चेक करवाता हूँ कि आखिर इसकी जो है डिज़ाइन किस तरह और इसकी हवा की रफ्तार किस तरह है। तो मुझे जो है बहुत ही कमाल का लगा है ये जो है फैन। तो दोस्तों अब मैं जो हूँ इसको एक दफ़ा यहाँ से ओपन करके भी दिखा देता हूँ आपको कि आखिर इसका सर्किट कंपनी ने कौन सा लगाया है और क्या किस डिज़ाइन का सर्किट इस बार जो है कंपनी ने इसके अंदर लगाया गया है। जो मुझे जो लगता है दोस्तों इसके अंदर सर्किट जो है AC DC जो है दूसरे जिस तरह सीलिंग फैन के अंदर था तकरीबन वैसा ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसको हमने कर लिया है जी ओपन, और ओपन करते ही आप देख सकते हैं इसके अंदर जो सीलिंग फैन का सर्किट लगाया गया है वो सेम जो है हमारे पिछले फ़ैन जो दूसरे फ़ैन है खुर्शीद के सेम तकरीबन उसी डिज़ाइन में है। और इसके अंदर जो है सप्लाई का सर्किट कंपनी ने इस बार जो है अलहदा किया हुआ है, और जो इसका दोस्तों सीलिंग फैन का DC सर्किट है वो अलहदा है, यानी कि अगर आपकी सप्लाई का सर्किट भी अगर आपका खुदा न खासा ख़राब हो जाए तो आप उसको बआसानी रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर आपका जो है ये अलहदा जो सर्किट DC सर्किट है वो ख़राब हो जाए तो उसको भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। और इसकी प्रोपेलर की या इसकी ब्लेड्स की दोस्तों एक ख़ास बात मुझे ये लगी है कि इसके जो डिज़ाइन है बहुत ही अच्छा है और एरोडायनामिक्स के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है, यानी कि आपको इससे जो है एक प्रॉपर जो है हवा मिलने वाली है जिस तरह एक मुकम्मल 220 वोल्ट के फैन के से जरिए मिलती है। तो 5 ब्लेड होने की वजह से आपके पूरे रूम जो है उसके अंदर हवाई जो है फैला देगा ये, और मुझे जो है बहुत कमाल का ये इसका डिज़ाइन लगा है। और इसके साथ ये आप देख सकते हैं ये आ चुका है जी 220 वोल्ट की वायर, यानी कि अगर आप 220 पे चलाना चाहते हैं तो इसे 220 पे चला ले, अगर आपने इसको DC पे चलाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 वोल्ट DC की यहाँ पर ब्रांडिंग भी हुई हुई है और सोलर बैटरी का ऑप्शन भी लिखा हुआ है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आप इसको जो है 12 वोल्ट की वायर लगाकर इसको DC के ऊपर भी चला सकते हैं। अगर दोस्तों आप इसको जो है स्पीड नंबर 1 पे चलाएंगे अपने रिमोट कंट्रोल से तो इसको जो है मैक्सिमम वाट जो ये कंज्यूम करेगा 1 वाट करेगा, अगर आप 2 स्पीड पर चलाएंगे तो मैक्सिमम 10 वाट करेगा, और उसके बाद अगर आप स्पीड नंबर 3 पर इसको चलाएंगे तो ये मैक्सिमम जो है 25 वाट लेगा, और अगर आप इसको फुल स्पीड पर चलाते हैं तो ये जो है 50 वाट लेता है, यानी कि अगर आपका जो है AC 220 फैन जो फैन है आम वो अगर 100-120 वाट लेता है तो ये पूरे जो है हाफ वाट लेता है उसे 50 वाट, और 50 वाट के ऊपर ये फुल जो है परफॉर्मेंस अपनी देता है। उसके बाद दोस्तों इसके कलर के बारे में बात करी जाए तो इसके अंदर तब मुझे जो लगता है वो उसके ऊपर जिस तरह बना हुआ है तो इसके साथ 3 कलर आते हैं ब्लैक, सिल्वर और ये वुडन कोटेड। तो इन तीनों कलर में से आप कोई भी कलर परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप चाहे तो इसको बाय भी कर सकते हैं। तो मुझे जो है ये बहुत ही कमाल की चीज़ लगी है। अब मैं ये करता हूँ दोस्तों इसको अटैच करता हूँ जी अपनी छत के ऊपर, और छत के साथ अटैच करने के बाद जो है मैं इसको चला कर भी चेक करूँगा आखिर इसकी हवा किस तरह की है।
तो लीजिए दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हमारा फ़ैन जो है कितनी ज़्यादा लुक अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। मैंने जो है इसको माउंट कर लिया अपने रूफ़ के ऊपर और इसने हमारी जो है रूम की खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा कर दिया है। यानी कि अगर आप अपने रूम में लगा लेते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है और प्रोफेशनल फ़ैन लगता है। और आप इसको 4 स्पीड के ऊपर चला सकते हैं, 1, 2, 3, 4, यानी कि 1 पे जो है लो है, 2 पे मीडियम है, 3 पे फास्ट है और 4 पे जो है सुपर फास्ट है, यानी कि फुल स्पीड जो है इसकी चलेगी। और इसकी जो हवा है पूरे रूम में जो है दोस्तों जो है मूव कर रही होती है, ऐसे नहीं है कि जहाँ फ़ैन है उसके सामने ही सिर्फ हवा आ रही होती है। तो बहुत खूबसूरत जो है इसकी डिज़ाइनिंग लग रही होती है। और इसकी जो एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है जिसके ज़रिए जो है इसकी बॉडी मूव नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ ब्लेड मूव कर रहे होते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी मुझे आजकल जो है फ़ैन में बहुत अच्छी लगी है और ख़ास तौर पर खुर्शीद फ़ैन के अंदर जो है बहुत ही कमाल की लग रही है। तो लीजिए दोस्तों, आपने देख लिया, हमने जो है अपने फ़ैन को जो है रूफ़ के ऊपर भी माउंट कर लिया था और बड़ी बेहतरीन सी लुक प्रोवाइड कर रहा था पूरे रूम के अंदर। ऐसा फील आती है जैसे कि आपने कोई लग्जरी जो है प्रोडक्ट अपने रूम में जो है लगाई हुई है। इस फ़ैन का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये सिर्फ एक जगह हवा नहीं देता, पूरे रूम के अंदर आपको जो है हवा की जो है दोस्तों फील आ रही होती है। यानी कि पूरे रूम में आपको हवा मिल रही होती है, यानी कि जहाँ आप बैठे हैं सिर्फ वहीं जो है आपको हवा ज़्यादातर मिलेगी। बाकी जो है आप जो है इस फ़ैन को जो है अपने ड्राइंग रूम वगैरह में, अपने टीवी लॉन्चेस वगैरह में, अपने बड़े रूम के अंदर लगा सकते हैं। जहाँ आपका अगर खूबसूरत रूम है तो ये लगकर ये आपके रूम की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देगा। अब बहुत से लोगों के ये भी जो है कमेंट्स आएंगे कि माज भाई इसकी असल प्राइस क्या है, और आप सब दोस्तों अंदाज़ा भी लगाया होगा, कोई सोच रहा होगा 5,000, 10,000, 15,000 प्राइस है। तो असल जो इसके दोस्तों प्राइस है जो कि ऑनलाइन मार्केट में आपको मिलेगी वो है जी 18,000 रुपये में। यानी कि 18,000 रुपये का आप ये फ़ैन जो है ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, वहाँ से चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं। तो 18,000 की रेंज में ये आपको जो है पड़ेगा आपके घर तक। और दोस्तों इसकी जो 18,000 प्राइस रखी गई है कंपनी की तरफ से ही रखी गई है खुर्शीद फैंस की तरफ से, तो 18,000 की प्राइस में आपको जो है ये पेंटा सीरीज का फ़ैन जो है मिलने वाला है। तो उम्मीद है आज की जो ये अनबॉक्सिंग आपको खुर्शीद फ़ैन के ऊपर आपको पसंद आई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और जो है अनबॉक्सिंग लेके आता रहूँ अपने जो है नए नए प्रोडक्ट्स के ऊपर या नए खुर्शीद फ़ैन के प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं खुर्शीद फ़ैन के और नए प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और उसके बाद अगर तो आपको दोस्तों इसकी जो है लुक अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको इस फ़ैन की क्या चीज़ ज़्यादा पसंद आई है। बाकी जब ये चल रहा होता है तो इसकी बॉडी जो है आपने देखा बिल्कुल जो है स्टिल रहती है, सिर्फ जो है इसके ब्लेड्स मूव कर रहे होते हैं। तो दोस्तों इस तरह ये मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अच्छी अच्छी और वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।